अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं गलावटी कबाब बनाऊंगी जो कि लखनऊ के बहुत फेमस कबाब होते हैं और इसे शुरू करते हैं बनाना। चलिए देखिए क्या क्या डालते हैं इसमें। सबसे पहले हम डाल देते हैं ये कटी हुई बारीक प्याज है, इसे डाल देते हैं इसमें। ये हाफ प्याज है बारीक, और ये हरा धनिया डाल देते हैं इसमें बारीक कटा हुआ, और ये हरी मिर्चें ये डाल देते हैं इसमें। अब इसमें ये मसाले शुरू करते हैं। इसमें डालना ये गरम मसाला है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई है, और ये चाट मसाला है, होममेड चाट मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसको ज़रूर दूंगी आगे वीडियो में। और ये नमक है हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, और भुना हुआ धनिया है ये हाफ टी स्पून। ये सब चीज़ें अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और मसाले अगर आपको और तेज़ चाहिए इसमें मसाला, कि आप लोग और स्पाइसी खाना चाहते हो तो डाल सकते हैं। और पाउडर है ये कच्चा पपीता, मैंने पहले कद्दूकस करके धूप में सुखाया 2-3 दिन तक, जब सूख गया इसे ग्राइंड कर लिया तो इसका ये पाउडर तैयार है। तो मेरे पास तो ये पाउडर है, मैं पाउडर डालूँगी। और अगर आपके पास नहीं है पाउडर ये, तो आप पेस्ट डाल सकते हैं इसका कच्चे पपीते का। तो मैं तो 250 ग्राम कीमे में ये 1 चम्मच डालूँगी पपीते का पाउडर, और आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। और इसे मैं एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखती हूँ फ्रिज में, ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए, ताकि ठीक बना रहे, ज़्यादा दिन तक चलता है इस तरह से। और अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ बेसन। ये हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लिया है, इसको जलाना नहीं है, बहुत हल्के हल्के आंच पर धीरे धीरे भूनना है, तो ये इस कलर में आ जाना चाहिए, लाइट ब्राउन है ये। तो ये हम दो, एक ये दो और ये 3 टीस्पून डालेंगे इसमें, और ये 1 टीस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये फ्राई की हुई प्याज का पेस्ट है, ये बारीक कट करके फ्राई कर ली थी प्याज, लाइट ब्राउन प्याज फ्राई करके इसे पेस्ट कर लिया, और ये 2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें, भर के डालना है अच्छी तरह से। और अब ये हमारे पास टमाटो प्यूरी है, ये भर के 2 टीस्पून डालेंगे, अच्छी तरह से भरी हुई होने चाहिए 2 टीस्पून। और अब हम इसमें दही डालेंगे फेटा हुआ, ये भी 2 टीस्पून डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमने 250 ग्राम कीमे में मिलाया है, और ये 3 टीस्पून मैंने कर दिया, मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी तो मैंने 3 टीस्पून कर दिया इसे। तो 250 ग्राम कीमे में ये सारी क्वांटिटी है, आप अपने हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी करना है, या और डालना चाहें तो और डाल सकते हैं, या और ज़्यादा 1/2 किलो कीमे में बनाना है तो इसका जस्ट डबल कर सकते हैं आप लोग। अब हम इसे मिक्स करना शुरू करते हैं। अब ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से सारा मसाला। अब इसके जो है हम मैरिनेट करके रख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यानी 1/2 घंटा हमें इसे रखना है, तब तक कि इसमें कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। तब उसके बाद फिर हम आगे का बताते हैं कि किस तरह से कबाब बनाएंगे। बस 1/2 घंटा हो चुका है कीमे को मैरिनेट किए हुए, अब ये गल चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें 1/2 चम्मच पुदीने का पाउडर डालते हैं, और 1 चम्मच लेमू का रस डालते हैं, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं डाल के, और फिर इसमें अभी धुआं देंगे उसका कोयले का हम स्मोकी फ्लेवर आने के लिए। और 1 चम्मच ये ऑयल मिला दिया इसमें, धुआं इसमें ज़रूर दिया जाता है गलावटी कबाब में, इसका स्मोकी फ्लेवर आने के लिए। अब इसमें हम एक कटोरी जगह बना के रखेंगे बीच में, और एक कोयले का अंगारा करके रखा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे, और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट रखेंगे, और फिर इसको खोल के फिर कबाब बनाएंगे हम मिला के। व्यूअर्स, अब ये 2 मिनट हो चुके हैं पूरे, अब हम इसको खोल देते हैं। जितना इसमें आना था वो आ चुका है, हमें इतना ही पसंद है। अब इसे हम कबाब बनाना शुरू करते हैं।
देखिए बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे और ये एक प्लेट में रखते जाएंगे पहले हम, फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इसी बस अब इसी तरह से हम बाकी के बना के फिर आपको दिखाते हैं और फ्राई करते हैं आपके सामने। अब ये व्यूअर्स हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम ये कबाब डालेंगे और इसे शैलो फ्राई करेंगे। धीरे धीरे डालेंगे इसे, ये देखते हैं हम इसमें कितना हुआ है, हल्का सा ब्राउन हो गया हो तो इसे कलर देते हैं। बहुत अच्छा कलर आया है इसको, बस इसी तरह से हमें चाहिए था, सारे कबाब इसी तरह से करेंगे हम। धीरे धीरे इसको पलटना, हमसे निकाल लेते हैं। दोनों तरफ से अच्छी तरह से हो चुके हैं, इसे 3 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पे, और इसे हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं धीरे धीरे। इसी तरह से हम बाकी के भी सब कबाब तल लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने ये डिश आउट कर लिया और डेकोरेट भी कर दिया है, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, उतना ही ये जायके में बहुत अच्छा है। आपको बनाकर बताना है मुझे कि आपको ये कैसी लगी डिश, और अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।